छह सर्द रातें हमने यहाँ बिताई हैं, जिसमें पिछली दो रातें जिसमें सर्दी के अंदर कड़ाके की दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ओसी पड़ रही है, और कल सारे दिन जद्दोजहद के बाद रात को हमारा त्रिपाल लगा और वो भी रात को कोई तोड़ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्रक भेजा और वो ट्रक आया और हमारी रस्सी तोड़ के चला गया। आप हमारी रस्सी तोड़ते रहो, हम जोड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम जोड़ने का है, तुम्हारा काम तोड़ने का है। और रोज हम यहाँ सफाई इसलिए करते हैं ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब आपको पता लगे कि शहर साफ करना कितना जरूरी है। आपका घर साफ है, ऐसे दिल्ली के सभी परिवारों का घर साफ हो, और सफाई का काम और कोई नहीं करता। पूरे दिल्ली भर का कूड़ा नगर निगम उठाता है। सुबह 6 बजे हमारे सफाई कर्मचारी घर घर जाकर के गली मोहल्ला बाजार उसकी सफाई करते हैं। तो शहर को साफ रखने के लिए निगमों को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे कानून व्यवस्था ठीक रखनी है तो पुलिस मजबूत होनी चाहिए, तो पुलिस के अधिकार उनको मिलने चाहिए। उसी प्रकार से अगर निगम को मजबूत करना है, शहर को साफ रखना है, शहर को स्वच्छ रखना है, शहर को स्वस्थ रखना है, तो निगमों को भी मजबूत करना पड़ेगा। अगर निगम कमजोर होगी तो कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा, कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा तो कूड़ा नहीं उठेगा। आपके घर का कूड़ा तो हम उठा रहे हैं, अगर वो गली मोहल्ला बाजार बस्ती अनऑथराइज कॉलोनी उनका कूड़ा कैसे उठेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपा करके हमारा 13,000 करोड़ रुपया जारी कीजिए। उन पैसों का आप करोगे क्या? 60,000 करोड़ रुपया आपके पास है, उसमें से 13,000 करोड़ अगर नगर उनका दे देंगे तो आपका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी दिल्ली में आप कुछ कर नहीं रहे, सफाई हम कर रहे हैं, सैनिटाइज हम कर रहे हैं, रिपेयरिंग हम कर रहे हैं, पार्कों का रख रखाव हम कर रहे हैं, अस्पताल हम चला रहे हैं, कोरोना से हम लड़ रहे हैं, डोर टू डोर मैपिंग हम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना से बचाने के लिए कानून व्यवस्था ठीक रहे, पुलिस ने काम किया, लोगों को राशन मिले, मोदी जी ने राशन दिया, आपने बांट दिया, वो आपने भी नहीं बांटा, हमारे निगम के कर्मियों ने स्कूलों में बांटा। दिल्ली में 500 जांच केंद्र बनाए, वो भारत सरकार ने बनाए। अब वैक्सीन आने वाली है, वो भी भारत सरकार बना रही है, जब आपको देगी। इसलिए आप आराम मत करो, निगम का 13,000 करोड़ रुपया जारी करो ताकि दिल्ली में निगम ठीक प्रकार से चले और हम मिलकर के एक अच्छी दिल्ली को सेवा दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।